राष्ट्रपति भवन के दो हॉल के बदले ना, दरबार अशोक हॉल के बदले ना मचा बवाल, नाम बदलने पर प्रियंका कवा, यूपी के सीएम योगी नाम बदलने में माहिर है, मोदी सरकार भी नाम बदलते रहती है, इस काम में योगी की महारत मानी जाती है, लेकिन मोदी सरकार भी कुछ कम बदनाम इस मामले में नहीं है। वहीं विपक्ष है कि इधर नाम बदला नहीं कि उधर लगती है तंज कसने। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, इस बार मामला राष्ट्रपति भवन से जुड़ा है। दरअसल मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया है। अब इन दोनों हॉल में से एक को गणतंत्र मंडप और दूसरे को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से नाम बदलने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से बिफर गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बारे में प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया है। आखिर क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, चलिए जानते हैं। मंडपम और अशोक मंडपम, दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का यह बयान तब सामने आया है जब नाम बदल देने के बाद सरकार ने अपना व्यू क्लियर किया, या मानिए कि सफाई दी। मोदी सरकार ने यह बताया कि आखिर उन्होंने दोनों नाम क्यों बदले हैं। वहीं इस मामले में राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अब अशोक मंडप होगा। ये भी बताया गया है कि दरबार हॉल वो जगह है जहाँ आज की तारीख में राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति के हाथों किया जाता है। वहीं अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉलरूम था। वहीं मोदी सरकार ने इस बारे में अपनी सफाई में आधिकारिक बयान दिया है कि दरबार, जिसका तात्पर्य पुराने जमाने के शासकों और अंग्रेजों की कोर्ट्स और सभाओं से है, लेकिन अब भारत आज़ाद हो चुका है, ऐसे में ये नाम अपने वजूद खो चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा कि गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज की गहराई में शामिल है, ऐसे में दरबार हॉल की जगह गणतंत्र मंडप भी इस जगह का नाम सही है। तभी तो शायद प्रियंका गांधी ने शहंशाह शब्द का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। चलिए एक बार और प्रियंका गांधी का वो बयान सुनते हैं। मंडपम और अशोक मंडपम, दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। वहीं जहां तक राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलने की बात है, इस पर भी सरकार ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है अशोक मंडप नाम लैंग्वेज में एक रूपता लाने का काम करता है, साथ ही अंग्रेजीकरण की निशानी को खत्म करता है। वहीं इसके साथ लगा अशोक शब्द जुड़े हुए मूल मूल्यों को बरकरार रखता है। इतना ही नहीं, भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीयता का प्रतीक सारनाथ में अशोक का सिंह है। ये शब्द अशोक वृक्ष को भी इंगित करता है, जिसका भारतीय धार्मिक परंपराओं के साथ साथ कला और संस्कृति से भी गहरा ताल्लुक है। बहरहाल सरकार के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने अब तंज कसा है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।